हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बॉटनी का पहला क्लास हम आपके लिए लेके आए थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आप लोग उस चैनल को, ठीक है, मतलब इस चैनल को और उस वीडियोस को भी, ठीक है। तो आज हम आपके लिए आए फोटो स्पेक्ट्रोमीटर, और उसमें हमने तुलना भी कर दी थी दोनों की, इलेक्ट्रॉनिक वाले की और फोटो वाले की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाली थोड़ा ज्यादा बेटर था, फोटो वाला थोड़ा कम बेटर था, तो आज इन दोनों की तुलना करेंगे। ये पहली यूनिट अपनी चल रही थी, और इस यूनिट में दो ही लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक वाला और एक ये फोटो वाला, ठीक है, यानी प्रकाश और इलेक्ट्रॉन। तो इसे पढ़ने के बाद आपके पहले यूनिट के दोनों लॉन्ग तैयार हो जाएंगे। हमने पहले भी कहा था, तो ज्यादा हम आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, ठीक है। तो बीच में क्लास के बाद करेंगे थोड़ी सी बाकी इससे रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा समझा देते हैं। नाम ही इसका है प्रकाश विकिरण मापी, यानी जाहिर सी बात, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये विकिरण क्या है। विकिरण बोले तो रेडिएशंस, ठीक है। रेडिएशंस क्या है? जैसे मान लिया सूर्य है, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो भी क्या है? विकिरण है। कभी आप सूर्य के पास प्रकाश लेने गए? नहीं। कभी सूर्य आपके पास प्रकाश देने आया? नहीं। सूर्य अपनी जगह पे, सोर्स अपनी जगह पे है, लेने वाला जो श्रोता है यानी जो एक्सेप्ट करने वाला जो एक्सेप्टर है वो अपनी जगह पे है। जब दोनों अपनी अपनी जगह पे होते तो ऐसी जो लाइट आती है उन्हें रेडिएशन यानी विकिरण बोलते हैं, ठीक है सर। तो अब विकिरण को नापने के लिए विकिरण मापी का यूज करना पड़ेगा, तो इसका नाम है फोटो स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक भाई। तो हमने यहाँ अच्छा इससे फायदा क्या होता है, मान लिया कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, किसी के बारे में हमें पहचानना है, तो होता क्या है, एटम वगैरह में प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो उसके ऊपर डालेंगे प्रकाश को, जितना वो एब्जॉर्ब करेगा तो एक अंदाजा लग जाएगा कि ये इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी इतनी रेंज है, इसका मतलब ये वाला हो सकता है सर, ठीक है। तो बिल्कुल सरल भाषा में हमने यहाँ लिखा है, बड़ी मेहनत लगती है ये पीडीएफ वगैरह, खुद हम खुद ही लिखते हैं बैठ के, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी राइटिंग बहुत गंदी, लेकिन रियलिटी ये है कि टाइम नहीं, बहुत तेजी से घसीटा मारना पड़ता है क्योंकि काम बहुत है मेरे पास। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक एटम या मॉलिक्यूल में लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखा है, तथा किसी एटम या मॉलिक्यूल से गुजरने वाली रेडिएशंस की मात्रा या एब्जॉर्ब होने वाली मात्रा से ही क्या करते हैं, इसकी पहचान यानी आइडेंटिटी को पहचानेंगे और इसके कंसंट्रेशन को पहचान लेंगे। यानी कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी क्या है, वो खुद क्या है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, इस तरीके की चीज़ों को कैसे पहचानेंगे कि वो लाइट को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक भाई। उसके बाद इसमें यूज होने वाले ऑपरेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फोटो स्पेक्ट्रोमीटर, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या फोटो स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है सर। इसमें दो तरीके के प्रकाश भैया, एक तो विजिबल लाइट, सबको पता है विजिबल लाइट क्या होती है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम जिसकी रेंज होती है, या फिर नैनोमीटर में 400 से 700 नैनोमीटर में नीचे लिख भी दिया है, तथा यूवी यानी अल्ट्रावायलेट जिसे लोग परावैगनी कहते थे, किरणों का यूज करते हैं। इन वेवलेंथ, इनकी जो वेवलेंथ है बताइए, दृश्य प्रकाश की कितनी, 400 से 700 नैनोमीटर, और अल्ट्रावायलेट की कितनी होती है, 200 से 400 नैनोमीटर होती है। किसी लाइट वेव की एनर्जी उसकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेव लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके लिए हम लोग निम्न इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, सबको पहले बता, किसी लाइट वेव की एनर्जी उसकी फ्रिक्वेंसी के, फ्रिक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन या जितने कंपन होते हैं उन्हें हम लोग आवृत्ति कहते हैं। जाहिर सी बात है एनर्जी, हमने क्या कहा, किसी लाइट वेव की एनर्जी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम कह रहे हैं कि भैया जो एनर्जी है, ध्यान से समझिएगा, जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब ई है, वो फ्रीक्वेंसी यानी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कंपन बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है जब एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके पास ज्यादा, जैसे छोटा बच्चा, ध्यान से समझिएगा, तो छोटा बच्चा एनर्जी बहुत है तो बहुत गदर काटेगा, तो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी यानी कंपन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। लेकिन मान लिया कोई बेचारा मुर्दा है, मरा पड़ा, अब एनर्जी है ही नहीं, तो उससे कहो भैया कर फ्रीक्वेंसी कर फ्रीक्वेंसी करेगा क्या, नहीं करेगा। यानी एनर्जी जिसके पास जितनी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, तथा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लाइट यानी प्रकाश एक सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उसे हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, ठीक है।
इसे निम्न इक्वेशन से शो करते हैं। फॉर्मूला इसके लिए होता है E बराबर hc अपॉन लैम्डा। पहले भी बता चुके हैं आपको E क्या है, एनर्जी है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कोई पूछे 6.6 × 10⁻³⁴, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3×10⁸, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है भाई। ठीक है, नीचे हमने लिख भी दिया है जहां h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसकी यूनिट भी लिख दी है, जूल पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। अब हम लोग आ गए इसके प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, या फिर अलग से शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है कि लैम्बर्ट बियर्स ला लिखिए या बियर लैम्बर्ट ला लिखिए, क्योंकि भैया जो इसका प्रिंसिपल है वो किस पे आधारित होता है, इसी सिद्धांत पे, बियर लैम्बर्ट ला के नियम पे आधारित होता है। ठीक है, क्या होता है, विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट की स्पेक्ट्रम एनालिसिस बियर लैम्बर्ट लॉ पर आधारित है। इन्होंने लाइट से रिलेटेड दो लॉस प्रपोज किए, दो इन्होंने नियम दिए, कौन कौन से, बियर ने एक दिया, लैम्बर्ट ने अलग दिया, दोनों को मिला के कुछ कंक्लूजन निकल के आया। बियर के अकॉर्डिंग रेडिएंट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन लाइट के मार्ग में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा बियर ने, कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे प्रकाश को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। सरल भाषा में समझिए, इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। मान लिया हमारे पास 100 पूड़ी है, पूड़ी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ खाने वाले। यही तो है सर, कि अगर प्रकाश आ रहा और लोग ज्यादा हैं तो ज्यादा एमिट करेंगे, ज्यादा मतलब सॉरी ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, एमिट का मतलब तो निकालना होता, ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसका मतलब क्या है भैया, मच्छर भाई किनारे हो जाओ यार, मच्छर से भी टच हो जाता, कितना बढ़िया टच है इसका, पूरा पैसा वसूल करा प्रोमार्क ने, फिलहाल स्पॉन्सर नहीं है। तो ध्यान से देखिए, रेडिएंट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन लाइट के मार्ग में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितने ज्यादा लाइट, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। 100 पूड़ी लेके गए, एक ही आदमी बैठा है, एक आदमी लेगा, 100 लोग बैठे तो सब चली जाएंगी पूड़ी, यही वाली बात है। ठीक है, लैम्बर्ट के अकॉर्डिंग क्या, किसी स्पेशल कंपाउंड या मॉलिक्यूल के द्वारा लाइट एब्जॉर्प्शन की वैल्यू इसमें गुजरने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इन्होंने कहा एब्जॉर्प्शन हो रहा, उसका इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, बस आना चाहिए प्रकाश, वो कैसा है, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता होती है, वो मरा हुआ प्रकाश है, हल्के आ रहा है, तेज आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः किसी सैंपल में ट्रांसमिटेंस की वैल्यू सेम रहती है, यानी जो ट्रांसमिट हो रहा है यहां से वहां जा रहा है उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है। इन्होंने कहा टी इक्वल टू आई अपॉन आई जीरो। आई जीरो क्या है, वो प्रकाश जो जाके पड़ा, और आई क्या, जो निकल के बाहर गया। ठीक है, यहां पर लिख दिया इन्होंने ट्रांसमिटेंस की हेल्प से हम लोग एब्जॉर्प्शन, क्या लिखा हुआ, एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बेंस को इन्होंने ए से लिखा। अब बात वही है, किसी ने कह रखा है कि जितनी स्पीड से चीजें एब्जॉर्ब होंगी वैसे ही एमिट होंगी, तो ए इक्वल टू लिखा ई, और ई बराबर होता है लॉग वन अपॉन टी। ठीक है, जब दोनों नियमों को मिला दिया तो नियम क्या बना, संयुक्त बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी सब्सटेंस में लाइट का एब्जॉर्प्शन उसके कंसेंट्रेशन और थिकनेस पर डिपेंड करता है। A फॉर एब्जॉर्बेंस, C फॉर कंसेंट्रेशन, L माने थिकनेस, E लैम्डा क्या है भैया, कांस्टेंट है, यही दोनों का मिला के नियम है। ठीक, तो E लैम्डा कांस्टेंट है, C क्या है, कंसेंट्रेशन है, L क्या है, थिकनेस है। इस तरीके से भैया जी देखो, ये एक तरफ कंसेंट्रेशन का ग्राफ चल रहा है, एक तरफ एब्जॉर्बेंस चल रहा है, जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा। अगर इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें तो लो भैया, मान लिया कंसेंट्रेशन इतना है तो ए इतना है, सी इतना हुआ तो बढ़ के जितना होगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में ये देखो सैचुरेट हो जाएगा, पहले ग्राफ बढ़ा फिर सैचुरेट। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को बनाएंगे दोनों के बीच रिलेशन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये होता कैसा, तो एक सिंपल स्पेक्ट्रोमीटर में निम्न कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है होता है सोर्स ऑफ रेडिएशन, यानी कहीं से प्रकाश तो आएगा, तो उस प्रकाश को चाहिए कौन सा प्रकाश आएगा, विजिबल, और दूसरा कौन सा आएगा, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी। तो हमने लिख दिया रेडिएशन विजिबल के स्पेक्ट्रम के लिए, विजिबल वाले के लिए टंगस्टन लैंप और यूवी वाले के लिए हाइड्रोजन लैंप का प्रयोग करते हैं। मल्टीपल का क्वेश्चन बन सकता है या 2-3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, जो लाइट को मोनोक्रोमेटिक कर देगा, फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक कला में लाइट चलनी चाहिए, तो लाइट रेडिएशन की सर्टेन वेवलेंथ के लिए डिफरेंट कलर्ड ग्लास फिल्टर्स प्रिज्म ईटीसी का यूज करते हैं सर। ठीक है, ऑप्टिकल मटेरियल क्या होता है, सैंपल को स्पेशल ग्लास या क्वार्ट्ज के बने हुए ट्यूब या क्यूबलेट का यूज करते हैं। ये 350 nm से 3 μm तक की वेवलेंथ को ट्रांसमिट कर देते हैं, यानी ये जो मटेरियल होंगे ये क्या करेंगे, 350 नैनोमीटर से लेके 3 μm तक की वेवलेंथ के प्रकाश को ट्रांसमिट करेंगे। डिटेक्टर क्या होगा, जो डिटेक्ट करेगा भैया, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल की हेल्प से ट्रांसमिट होने वाली लाइट के इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी डिटेक्ट कर लेते हैं। मीटर या रिकॉर्ड
कन्वर्टर क्या होता है, जब रिकॉर्ड करेगा सामने एक स्क्रीन होगी एलईडी डिस्प्ले या वोल्टमीटर द्वारा क्या करते हैं लाइट की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। एप्लीकेशन यानी इसके यूजेस क्या है, तो किसी सब्सटेंस की क्वालिटी चेक करने के लिए, उसकी क्वांटिटी चेक करने के लिए, और किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स में कितने परसेंट क्वांटिटी है, किसी का मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब का मिश्रण, कौन सी चीज अंधाधुंध मिला दो तो मिश्रण बन जाता है, उस मिश्रण में कौन सी चीज कितनी मिली हुई है, इसे भी चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको बढ़ा दी जाएगी टेलीग्राम BDKDN BSC पे जाइए, उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए ये सब अमर साबित होने वाला है। पहले ही कह रहे हैं हर सारे का सारा कंटेंट, बॉटनी के क्लास लाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन कई बच्चे 1-to-1 हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, कह रहे थे सर हम बहुत परेशान हैं, दिक्कतें हैं, कहीं कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमने कहा चलिए टाइम की दिक्कत है, लेकिन जितना हम कर पाएंगे हम उतना जरूर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज आपके लिए लाने की कोशिश है, कुछ लोग जूलॉजी के लिए भी कह रहे थे, देखते हैं कोशिश करते हैं, हम गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपके लिए कर रहे हैं। आने वाले टाइम में देखिए आप भी समझ सकते हैं कि हमारा जो ऑफलाइन चीज़ें हैं वो हैं बढ़िया, लेकिन रियलिटी में अगर हम आपको आएँ तो 5,000 वाले टीचर यहाँ पर बहुत खड़े हो जाएंगे, लेकिन 5,000 वाले टीचर फिर कंटेंट भी वही डिलीवर करेंगे। तो या तो लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लेवल बढ़ाने के लिए यूट्यूब को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है कम से कम 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, फिर थोड़ा सा और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा क्वालिटी और बढ़ाएंगे, थोड़ी टीम बढ़ाएंगे। अभी तो सब कुछ हम अकेले ही करते हैं, ये पीडीएफ हमने लिखी खुद है, बनाई खुद है, डाली खुद है, एडिट हम खुद करेंगे, अपलोड खुद करेंगे, थंबनेल, इसलिए लोग कहते हैं कि थंबनेल ऐसा लगाओ वैसा लगाओ, सर जी हम एक वीडियो नहीं डालते, दिन में 10-10 वीडियो पब्लिक करते हैं, क्या ही थंबनेल बनाए, बस खाली ऐसे खड़े हुए हैं या साइड में लिख देंगे बस, ठीक है जिसकी जरूरत होगी वो देख लेगा, क्योंकि उल जुलूल ऑडियंस नहीं चाहिए। हमने पहले भी कहा था, मैं नहीं कि अंधाधुंध ऑडियंस नहीं सर, बिल्कुल सिलेक्टेड लोग चाहिए। जैसे ये BDKDN BSC चैनल है, अभी ये मोनेटाइज नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कंटेंट रेगुलर डिलीवर हो रहा है। तो यही है, बस मन लगा के आपको पढ़ना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी BDKDN BSC पे। हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।